श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पाद बंद रामदास अर्जुन गुरु बर श्री हर गोबिंद हर राय हर कृष्ण गुरु तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरबिंद जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग गुरु ग्रंथ साहिब उद्दद बंदों कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को वंदना सिर चरणन पर तार एकंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच हुए वाहे गुरु जी की फतेह है विघ्न बनासन सोए आप गवाए आप होए दूजा भाव ना नदरी आवे आपा भाव छड़ के जदों शुद्ध हो गयो ना दूजा भाव ओदी निगाह विच आउंदा ही नहीं जिहड़ी होमे वाली मैं ना ये मर जाती है गुरसिखी गुर सिख कमावै गुरु के सिख का एक टार गैट है जिहड़ी गुरु की सिख्या है ओनू कला सुनना नहीं उहदे ते चलण का यतन भी करना है केवल सुनाउणी नहीं उहदे ते चलण का यतन भी करना ते आपां चलदे नहीं जी एक सामने दृष्टांत आ गया असीं की करदे साडी करतूत की है किसी ज्ञानी सिंह ने कथा वाचक ने कथा की थी भी गुरमुखो मीट ना खाया करो धर्म की माँ दया है तो कर गया कुदरती तौर पर गवांढ़ियों की कुकड़ी ज्ञानी के घर आ गई कथा वाचक के घर कहने लगा सारी जिंदगी मर के मूंगी की दाल खाते आ तो रब ने कृपा की मुल भी नहीं लेने पे तो वेली जान वड़ी तो बूह ढो दिता मैं ये तो चुको मैं तुम्हें सुन ही नहीं कह रहा आप पॉइंट लैना पॉइंट भी साड़ी गल की सी कहिंदे बड़ा कुछ पर करती नहीं मैं तुहाडे कोल भिख्या मंगदा तुसीं अरदास करो कि असीं जो तुहानूं धर्म लोक ने साडा जीवन प्रैक्टिकली होवे विखाड़े मत असीं एक्टर ना बणीए असीं एक्टर हाँ तुसीं गुरु अग्गे अरदास करो साडी अवस्था बने अंदरों ते बाहरों एक जीओ निर्मल बाहरों निर्मल उन्हें आख्या भी भागा वाड़िए कुकड़ी आई तो घर वाली कई बार आता भी ये सानू भुलेखा हूँ भी मैं ही सब कुछ जानना वो बीबी की अवस्था चंगी तो वह कहती भी ये बगानी कुकड़ी है तो आप मार के खावे कहिंदा कोई गल नहीं कोठे ते चढ़िया कहिंदा किसी की गवाची है कुकड़ी गवाची उच्ची कहिंदा ते कुकड़ी मूँह कहिंदा भी जो कुकड़ी आके तो उन्हें कहता भी साड़ी तुहाडे घर आई है किसी की गवाची है कुकड़ी तीन बार थले क्या तो घरवाली कह लग गया वे हल भागा वाली किसी ने हाँ की हूँ तो अपना हक बनता क्योंकि अपने को आ गई तो पूछा तो मंगे मने नहीं कहन लगी जी मैं तो कदे काम नहीं किया कहन लगा है तो पहली बार चलो तजर्बा करने वाले प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट अज कुकड़ी खावे तो कल होर खावे मैं ही मर लेना मार ली मास बन गया हूँ मास तो बन गया तो वह कहती भी तुम तो ज्ञानी जी कहते मास नहीं खाना तो किमें करिए बाटे च पाई सी तो कह लगा कोई नहीं तरी तरी का की अर्ज है तरी का सेंकियाँ नहीं सही तो तरी का की अर्ज है
हूँ तरी भी वो थिंकियां भी वो तो जो बीबी ने थाली टेढ़ी की तो कह लगा जी अपने आप आ मैं सौंडी नहीं मेरा कहने का भाव है कि मैं तुहाड़ी तुहाड़ा प्रचारक हाँ कहने का इनडायरैक्ट भी भाव असी झूठा त्याग करते हैं झूठा त्याग त्याग झूठ झूठा ना हो ओरिजिनल हो जे आउंदा ते आउण दे जे अपने आप आउणगियां ते गुरमुखाए पुनता नहीं बन जाना पाप तो पाप है जैसा बीजे सो लुणे ज्ञानी जी तुसी उच्ची उच्ची बोल के सिक्ख्या देंदे हो तौल धर्म दया का पूत जे धर्म की माँ दया तो गुरमुखा अपने आप भावें थाली डिगण पर दया नहीं हो जे लत लगे कपड़े जे रत लगे कपड़े बाबे की बाणी जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत जो रत पीवे मानसा तिनको निर्मल जीत मेरे चोले नूं खून लग गया ते काका धो दे साबण ला के ते ज्ञानी जी जे चोले नूं खून लगा ते चोला पलीत हो गया ते जिथे ऐन गलास चढ़ गए जे ये ना पलीत होएगा वो गलास भर के पी गया ते इत्थे चुड़क मुड़ा जा तब्बा लगा ते नहीं नहीं पाप पाप है तौल धर्म दया का पूत दया जाने जी की किश पुन दान करे इस करके कहिंदे ने गुरसिख हो है जिहड़ा गुरसिखी दे सिधांतां ते चलदा है पालना करदा है उहनू अपने जीवन दा आधार बनाउंदा है ते विरलै संसार विच दर्शन जद पतंग मिलंदे कहिंदे भाई ओ गुरमुख प्यारे संसार विच विरले हन कौन जिहड़े गुरु दी जोत दे दर्शन कर ली पतंगे वाकू प्रेम करके मिलते ने संसार विच बहुत घट हन किवें वेखो प्रेम जिहड़ा पतंगा ना दीवे दी लाड़ कोल जांदा है वो परवाह नहीं करता अपना आपा निशावर कर दिंदा इहनू चिथना पतंगा दीवे कोल गया दीवे नाल इन्ना प्यार कि वह दीवे दी लाड़ ते अपने आप नू कुरबान कर गया पर तुसीं दीवे दी फोटो बनाओ कंध ते लाओ पतंगा नहीं आएगा उहनू आके भलिया दीवा बड़ा वधिया कहन लगा ज्ञानी जी किसी होर नू बुद्धू बनाया जे मैनू पता भी ये दीवा नहीं दीवे दी फोटो है मैं दीवे दा आशक मैं दीवे दी फोटो दा आशक नहीं अज दुख दी बात औरतां दीआं फोटोआं बाजार लगियां ने असीं गड्डी चला रहे हां सिनेमे दा इश्तिहार वेख्या ते गड्डी जा के गड़ी विच वज्जी ते मौत दा कारण बन गई फोटो वेख के सिनेमा की है फोटो ने ना तो असी उन्हें फोटो तो पहला कहने भी बुकिंग जल्दी जल्दी करा रही है मुड़ के सीट नहीं मिलनी पतंगे तो सिख पतंगा दीवे की फोटो तो नहीं जाता दीवे को जाता है तो गुरसिखा तेरा दीवा केड़ा गुर सतगुर शब्द हजारो दीपा जिहड़ा गुरु का शब्द है ये दीपक है ये ते अपने आप नूं कुरबान कर ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਧੂਪ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਬਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਹੋਏ ਮਿਰਗ ਮਰੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਹਿਰਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਘੰਡੇੜ ਦਾ ਸ਼ਕੀਨ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆਨੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੰਡਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜੋੜੀ ਢੋਲਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੜਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਚਮੜਾ ਮੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦਾ ਖੰਭ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾਦ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਘੜੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੂਥੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਸਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
जेडे गुरु के सिख ने वह भी भाई उस हिरन वाकू शब्द के नाल सुरती नूं जोड़ के रखते ने अपनी जान की परवाह नहीं करते। ते बिरलै संसार विच चरण कमल होए भवर बसंदे। तीजे नंबर ते भौरा है उन्हूं सुभाष सुंघण दा, फुल ते आके बैठा, इहो जिहा फुल ते आके बैठा भी उन्हूं अपने परिवार की चेता भुल गया। शाम नूं फुल मीचिया गया ते पसारी भरा ने अर्क कढ़ना फुलां दा, उन्हें फुल दे नाल उस भौरे का अर्क भी कढ़ दिता। उन्हें जान की परवाह नहीं की, अपना अर्क कढ़ा लिया, उबल गया अग दे विच, लेकिन उन्हें साथ नहीं छड़िया। भौरे नूं सुंघण दा सुभा, हिरन नूं सुणन दा सुभा, पतंगे नूं वेखण दा सुभा, पर नाल ही भाई साहब हर पंक्ति विच कहिंदे ने ते विले संसार विच, जिन्नियां पंक्तियां ने ना सारियां दे विच भाई साहब ने ते विले लफ़ज़ की वरतों की। कहिंदे ने बहुत घट ने इस तरह के लोग जिहड़े पतंगे तो सीखण, जिहड़े भौरे तो सीखण, इस ते अगे निरणा करनगे। ते विरले संसार विच पिरम सनेही मीन तरंदे। चौथे नंबर के उपर मीन मच्छी है। बाबे रविदास का एक शब्द आता गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह की बाणी च, वो कहिंदे बंदिया गल्लां तां बड़ियां करना है पर बच के नहीं। बाबा अरदास जी वो पंक्ति है, मरेक मीन परेंग पतंग कुंचर एक दोख बनास, पंच दोख असावत जामै तां की कीतक आस। बाबा रविदास जी कहिंदे ने मच्छी नूं खाण दा चस्का है, भौरे नूं सुंघण दा चस्का है, पतंगी नूं वेखण दा चस्का है, वह भलिया एक एक करके मारे गए, तेरे कले च पंज उगण ने तूं किवें बचेगा। वो तो एक नाल ही मारे गए, तेरे कले च वेखण दा चस्का तैनू, खाण दा चस्का तैनू, इस करके सावधान होके रहा कर। चौथी पंक्ति च है ते विले संसार विच पिरम सनेही मीन तरंदे, जिवें मच्छी पानी तो बिना नहीं रहिंदी, बची रही ना, पर चस्का लै गया शिकारी ने, कुंडी लाई, कुंडी नाल निक्का जिहा कपूंग टंगिया, कई थावां ते शिकारी जिहड़े वीर ने ओदे ते आटा लपेट देंदे। वैसे आटा जिहड़ा कामयाब नहीं, क्योंकि आटा हौली हौली खुर जांदा। हुण वेखो भी वह मच्छी दरिया दे विच है, नदी च है, ते जे उहने इन्ना च उमर भोगी ते कोई ना कुछ खाण नूं मिलिया तां होवेगा ना, भुक्की थोड़ी रही आ। पर उहनूं उह भुल गया, ते जदों उहने वेख्या ना पूंग है, आपणे मूल नूं छड्ड के जदों पूंग नूं मूँह च पाया ते मूँह फस गया, शिकारी ने वेख्या ते कुंडी खिची ते बाहर हो गई, जान जांदी रही। उहड़ी मच्छी है ना, उहने आण के पूंग नूं मूँह पाया ते उहदा मूँह अड़ गया, ते जदों उहने कुंडी वाले ने वेख्या भी कुंडी ली ते गल बण गई, उहने कदम खिचिया ते मच्छी बाहर ते मौत हो गई। इहनूं कहिंदे ने इक पक्ष। पर उहदे नाल इक होर सिख्या वाली वचन गुरबाणी च, उहनूं आपां ग्रहण करिए। गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह कहिंदे है तां तूं बंदा, पर तेरी सुभाव बड़ा कड़ा, तू सिख्या बहुत घट लैना, कितें मच्छी कोलों सिख ला। आपां महसूस नहीं करते अंदर ही झाती मरदे। सब तो माड़ा आपां कहिंदे कुत्ते नूं, सब तो माड़ा कुत्तिया भौंकना, गाल कढ देने फलाना कुत्ता, ते नवें पातशाह कहिंदे तू है बड़ा आकड़बाज, ते गुस्सा ना करी, तेरे नाल कुत्ता सियाणा ते कुत्ते को ट्यूशन रख के चार गुण सिख ला। ये गुरु तेग बहादुर पातशाह कहिंदे ने, बाबे बकाले तो बोलते ने, कहिंदे ने जे तेनू अकल नहीं ना ते कमजोर विद्यार्थी ट्यूशन रख के सीख लैंदा, कुत्ते को ट्यूशन रख ला। असीं आख्या भी बाबे बकाले वाला भी बाबा दाबे मारदा, कहिं दसो जी दसो। हजूर कहिंदे ने स्वामी को ग्रह जो सदा, स्वान तैतनी नित, नानक ए बिधार भदो भजो एक मन होए कि चित। कदे वेख्या ही मालक ने रोटी पाई ते तां वी बूहे अगे बैठा, नहीं पाई ते चूं चूं करी जांदा भी समझ आवे शायद रोटी दे दे, पर वह मालक का बूहा छड़ के दूजियां दे नहीं हो गया।
ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਲਿਖੀ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਨ ਪਕੜ ਫਾਂਕਿਓ ਔਰ ਕਾਟਿਓ, ਰਾਂਦ ਕੀਓ ਬਹੁ ਬਾਨੀ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ, ਤਉ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ ਪਾਨੀ। ਇਹ ਜੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਕੁੰਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਮੱਛੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ। ਮੌਸਮ ਠੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਲ ਕੇ ਚੱਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਭਰ ਕੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਜੱਗ ਦਾ ਜੱਗ ਪਾਣੀ ਚਾੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਪਰ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡੀ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੀਸੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇੱਕ ਮੀਨ ਪਕੜ ਫਾਕਿਓ ਰਕਾਂਟਿਓ, ਰਾਂਦ ਕੀਓ ਬਹੁ ਪਾਨੀ, ਪਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ, ਤਉ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ ਪਾਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਰਮ ਸਨੇਹ ਹੀ ਮੀਨ ਤਰੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤਰਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਪੈ ਰਹਿਣ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਡਰ ਭੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ, ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਿਰਮ ਚਖੰਦੇ, ਇਸ ਪਰਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਫਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖ ਜਪ ਤਪ ਲੱਖ ਸੰਜਮ, ਹੋਮ ਜਗ ਲਖ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਲੇਖ, ਇਹ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਲੱਖ ਜਪ ਤਪ ਲੱਖ ਸੰਜਮਾਂ, ਹੋਮ ਜਗ ਲੱਖ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਪੀਏ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤਪੀਸਰ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਜਮੀ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਰਤ, ਨੇਮ ਆਦਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਰੋਟੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਰਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਰਤਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਵਰਤਾਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਵਰਤ ਰੱਖੀਏ ਮੂੰਹ ਦਾ, ਵਰਤ ਰੱਖੀਏ ਕੰਨਾਂ ਦਾ, ਵਰਤ ਰੱਖੀਏ ਅੱਖਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਿਬੜਿਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਗੱਲ ਮਾਲ ਮਤਾ ਬਣਿਆ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ।
उधर रोटिया वर्त रखे दूजे को कहना परां परां बैठा लागे गलबात करिए मुड़ के लोगों की मैल खाधी जाता ये नो चंगा सी रोटी खा लेनो पर लोगों की मैल ना खानो। भाई साहब कहिंदे लोग लखां तरह का जप करते ने कई तरह की तपस्या करते ने कई तरह के संयम ने इस तरह हमन जग वर्त इत्यादिक कई करते हैं। लख तीर्थ लख ऊलखा लख पुरियां लख पुरश लगंदे लखां तीर्थां ते जाके ते जिहड़ा ऊलखा लफ्ज है ना इहदी अर्थ भाई वीर सिंह होरां कीते ने कन्न पाटे लखां तीर्थां ते कन्न पाटे जोगेश्वर ने लखां ही पुरियां काशी मदर जिहड़ी मथुरा इत्यादिक है इहदे पुजारी पूजा करते हैं। देवी देवल दे होरे लाख पुजारी पूज करन दे कहिंदे इस प्रकार लखां ठाकर द्वारे द्योरे समाधां और इस तरह लखां कर्मां धर्मां दे फेरे दे विच ये लोग भड़कते हैं। जल थल महील भरम दे कर्म धर्म लख फेर फरन दे इस प्रकार लखां जलां थलां पृथ्वी आकाश के उत्ते भमी जाते ने और इस तरह के होर लखां कर्म धर्मां विच फेरा पाई जाते हैं। लख पर्वत वन खंड लख लख उदासी होए पवंदे लखां ही पहाड़ां विच वणां खंडां विच उदासी हो करके गृह छड़ के बाहर भड़कते हैं। अग्नि अंग जलाए दे लख हिमाचल जाए गलंदे कहिंदे पंज धूनियां तबके अंगां नूं अग ला के साड़दे हैं। लखां हिमाला पहाड़ ते जा करके अपने शरीर नूं गालदे ने पर उहदा फल की हुंदा है गुरसिखी सुख तिल न लहंदे। धन गुरु नानक पातशाह तैनूं लखां नमस्कारां। भाई जी कहिंदे गुरसिखी दे फल दे एक तिल मात्र भी आनंद नूं प्राप्त नहीं कर सकदे केवल ते केवल कहण मात्र ने। स्कूल दे विच एक मैं कविता पढ़ी सानू लगी सी स्कूले एक चरण सिंह होए ने शहीद उन्होंने जिन्नी भी लिखता है ना वो मजाकिया तो वो पिछे कोई ना कोई उस्ताद निकल किया अपनी कौम के कोई ने चरण सिंह सफरी एक होए तो एक चरण सिंह शहीद होए चरण सिंह शहीद तुसी कोई भी लिखत पढ़ो वो मजाकिया आएगी तो बिच कोई ना कोई सिक्ख्या लाजमी होगी चरण सिंह शहीद। उस कविता का सिलेख सी शांति का इम्तिहान। बाबे दी लोकां च बड़ी चर्चा बड़ी मिठी बोली निम्रता ते पर करन वाला गया कहिंदा बाबे जी कर्मां दे नाल दर्शन होए ने ते थोड़ी जी खिचल करो कि महापुरशा तुहाडा नाम की है आंदे ने जनता दा सेवक शांति नाथ। वो गया ही इसे कम लई सी पंजां क मिंटां बाद कहन लगा जी हुण तेरा चेतरा बड़ा माड़ा है ते महापुरशो कृपा करिया जी मैनूं तुहाडा नाम विसर गया है। कहिंदे जनता दे पैरां दा कूकरदार श्री 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 शांति नाथ अगे नाल होर नरम होया। तीजी वेर उहने अपने मूँह ते वट के चपेड़ मारी कहण लगा चंद्रिया महापुरशां कोल आया ते एडा डल दिमाग भी तैनू घड़ी घड़ी होर तां गल भुल जाए चंगी गल क्यों भुलदी है। कहिंदा बाबा जी मैनू बड़ी शर्म आउंदी है मेरी पिंड भी घर कदर कोई नहीं पर कृपा करके ना दसो कहन लगा तेनू एक बिना क्या शांति नाथ। वो कहन लगा गल बन गई गल बन गई तेनू एक बिना क्या शांति नाथ। फिर गेड़ा कढ़ के आया कहिंदा बाबा जी पता नहीं किहड़ा कोई चंद्रा मत्थे लगा है मेरे मन की भावना पे मैं तुहानू मुर्शद धार करना एक बिना ना दस दो कहन लगा हुण दसदा। वो जिहड़ा धुआं सी उहने लकड़ कढ़ी ते अगे अगे वो बंदा ते पिछे पिछे वो बाबा कहन लगा जी हुण गल मुक गई मैनू भुलेखा लगा तू शांति नाथ नहीं तुसीं भांबड़ नाथ हो तुसीं शांति नाथ नहीं भांबड़ नाथ हो। इस तरह इस पौड़ी दे विच ये दस्या है कि कल्ले विखाड़े दे नाल नहीं ओरिजिनल तौर ते उन्हां नियमां दे मुताबक चलना बड़ा औखा। विखावे मात्र तां आपां बड़ा कुछ करदे हाँ पर ओरिजिनल तौर ते भाई साहब कहिंदे ने लखां दे विचों होवेगा जी दी इन्हां सिद्धांतां ते चलिया। अगे एक पौड़ी की विचार कर लीए। हाँ जी चार वर्ण कर वरत्या वर्ण चिन्ह हाँ जी किहो नदर न आया कहिंदे चारे वर्णां दे विच परमात्मा वरदा है पर उहदा वर्ण चिन्ह किसी नूं ना दिसिया।
ये साढ़े गुरु है जिन्हें सानू चारे दे चारे सूल दी पर आप पालना नहीं करते। जदों आप ब्रह्म की चर्चा करते बाणी पढ़ते उदों आप ब्राह्मण, जदों कोई साढ़े ते हमला करता है उहदी वास्ते असी मुकाबला करते उदों क्षत्री। ते गुरमुखो जदों असी लंगर की सेवा करते हैं जिमीदारा करते उदों असी वैश, ते जदों आप संगतां दे भांडे झाड़दे उदों शुद्ध की ड्यूटी करते हैं। साढ़े गुरु ने सानू चारी दित्तियां, तो जिन्हों नीवा समझते ना उन्होंने सारे तो उच्चा आप पिछे पौड़ी विचारी है, सिर उच्चा नीवे चरण सिर पैरी पैंदे है। अखी बूल ना बुझियन कर कर वेखण मेरी तेरी, क्योंकि अखां के आ मेरा तो तेरा। कन मूल ना पूजियन उस्तत निंदा भली भलेरी, कन्नां दे नाल किसी की वड्याई की किसी की निंदा की, सिर उच्चा नीवे चरण वलदे पग बलाई डेरी। जदों पग बनते हैं उदों टाइम लगता है, इस करके सिर की पूजा नहीं नीवे चरण पूज सिर केरी। बड़ा सिर उच्चा ना वो पैरों से तां पैंदा क्योंकि पैरों के विचों आपां नूं निम्रता मिलती है। तर तराजू तोलिए नीवे सो गौरव है। इस प्रकार कहिंदे चार वर्णां दे विच परमात्मा वरदा है, पर उहदा वर्ण चेन किसी नूं दिसदा नहीं। छे दर्शन पिख धारिया दर्शन वेचना दर्शन पाया, छे दर्शनां दे पेखियां ने दर्शन वेखे ईश्वर दा दर्शन नहीं पाया। पाव अंतशकरण शीशी दी मलनता दी पकड़ करके सख्यात कर नहीं होया। शीशा तां है लेकिन जे शीशे नूं साफ ना करांगे तां गुरमुख दिसदा कख नहीं। धर्म दा शीशा तां बना लिया लेकिन वस्तु विचार दे नाल जदों तक उहनूं पहुँचदे नहीं ना उहनां चिर सानूं अपना सूप नहीं दिसणा। सन्यासी हांजी सन्यासी दस नाव धर नाव गणाए ना नाव त्याया, कहिंदे सन्यासियां दे दस नाव गिरी पुरी भारती इत्यादि खरगाए, वह भी आपो अपने ना ही गणाउंदे ने असीं श्रेष्ठ हाँ, वह भी अपने आप ना गणाउंदे ने मैनूं माफ़ी देनी मैं मूँह आई गल लुकनी नहीं। आपां सिख हाँ साढ़े चो उदासी साढ़े च निर्मले साढ़े च निहंग सिंह सारे सत्कारयोग ने, पर जिहड़ी संपर्दा नाल असीं संबंधित आपां कहिंदे ये चंगी बाकी माड़े ये गलत है, ये नहीं कहना चाहिए। एक दिन की गल असीं दरबार साहब गए जदों अमृतसर साहब 400 दाला मनाया ना, तो बाबे दीप सिंह का स्थान इस थान पर असीं लंघ रहे सां जिथे पूना बनया, तो संत करतार सिंह कहन लगे संगो आपां उदासी बाबिआं दा देण नहीं दे सकते। ये परिक्रमा की गल जी गुरु रामदास दी आ, कहिंदे अपने सिख पंथ ते संकट सी ते अपने सिरां दे मुल पैंदे सी ना उदों इन्हां उदासियां बाबां दा जिहड़ा भेस सी ओह फकीरां वर्गा सी ते मुसलमान कहिंदे पीर साईं दे फकीर ने, इन्हां ने उस मौके गुरु रामदास दे पावन हरिमंदर विच आ के दीवा जगाउणा ते झाड़ू करना, ते आपां उहनां नूं माड़े कहिंदे आ। जे एक रैणू माड़ा हो गया ना ते सानूं सारिआं नूं माड़े नहीं कहना चाहीदा। जदों कलगीधर पातशाह आनंदपुर साहब छड्या कि प्रसंग करना उदों गुरबख्श नाम दे उदासी महात्मा की ड्यूटी लाई पई, गुरमुखा तू इस थान पर झाड़ू मारना तो दीवा जगाना मेरे कहन तो भाव गुरमुखो भावें को निर्मला है भावें को उदासी है भावें को निहंग सिंह है साढ़े सारे सत्कार पूजन योग हैं। ना कन्न माड़े ना बाहवां माड़ियाँ ना हाथ माड़े, अखां नाल वेखिए ते अखां नूं कंडैम कीता गुरु दिसण गुरमुखो दिसण वट जाएगा। जे कन्नां च आपां बुझे लै लए ते सुनना नहीं, इस करके जिथे भी कोई गुरु का लाल उहदा सत्कार करिए। उहो गल दसी कहिंदे सन्यासियां ने अपने दस नां धरा ले ते दूजिआं नूं कंडैम करी गए ते कहिंदे असीं चंगे हाँ, आपणी तां इत्थों तक ढल्याई आ गई है साढ़े जथे कोल अमर छक ना भलिया, तूं तां गलत काम कर दिता है। अमर तेरा नहीं अमर तो गुरु का है। आपां दवाई लैने आ लिखा शर्मा मैडिकल स्टोर खालसा मैडिकल स्टोर, दवाई तां कंपनी दी है ना। अकाल तख्त साहब तो पंज प्यारे साहब आ जा आ जाण, श्रोमणी टकसाल तो आ जाण,
हरियां वेलां तो आ जाण, जिथे आपां बैठे रामपुर खेड़े दे पंज प्यारे होण, ये गुरु दे पंज प्यारे भलिया अमृत गुरु दा, इहदे ते आपणियां मोहरां ला करके ते अमृत नूं नीवां विखाउण दा कोझा यतन ना कर। अमृत पिया सतगुर दिया, अवर न जाना दूगा तिया। ये गुरु तो अमृत है, ये ना वेख असी तो इतों तक साढ़े अंदर भरिया पिया जी, आप दे पुजा रही हाँ, बाबा जी मेरे अमृत छकण का तुम मैं हुक्म किया मैं छकागा, पर तुम पंजा प्यारे तो लगो तो अंदर तो हो रही है ना कि बाबे फलाने को अमृत छकिया, ये ना करया करो। अमृत केवल गुरु का है, दे नालों टुटो शब्द नाल जुड़ो, ये गुरु कित साडे ते कर्म करे मेहर करे। रावल बाहर पंथकार गुरमुख पंथ ना लख लखाया। इसे प्रकार ये तो अगे जे योगी ने ना, योगियों ने बारह पंथ रावल तो भाव योगियों ने बारह पंथ भेखते थापे, गुरमुखा का पंथ अलख ही रहा, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਬਹੁ ਰੂਪੀ ਬਹੁ ਰੂਪੀਏ ਰੂਪੀਏ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਲੇਖ ਲਵਟਾਇਆ। ਬਹੁ ਰੂਪੀ ਬਾੜੇ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਚੱਲਦੇ ਸੰਗ ਲੱਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਾ ਰੰਗ ਰੰਗਾਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਧ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਣ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ। ਆਹ ਹੁਣ ਖੀਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਣ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੋਹਿਆ ਮਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜ ਮਾਇਆ ਵੇਖੇ ਮੋਹਤ ਰਹਿ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉਗਤ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸਥਾਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੌੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਦੀ ਨਾਮ ਸੰਯੋਗੀ ਮੇਲੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪ ਧਿਆਏ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਵਸੇ ਜੀਓ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਵੱਸਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਸਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 100% ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸੀਸ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗਲਤੀਆਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਚੱਲਦੇ ਸੰਗ ਲੱਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਾ ਰੰਗ ਰੰਗਾਇਆ। ਬਿਣ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ, ਬਿਣ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।